एक वो मूर्ख आदमी जरा पट्टा दे हाथ मार के बाजे प्रधानमंत्री, मैंने तो समझ नहीं आई कि प्रधानमंत्री उन्हें क्यों कह देते हैं। प्रधानमंत्री का एक बड़ा रुतबा होता है। हुण सूचनावां आ रही हैं 3500 करोड़ की फंडिंग हो गई सी इस देश नूं तोड़न दे लई। धर्म की आड़ दे विच अमृतपाल लगातार कानून नूं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है। इहदी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए है। ते ओ इहो जिहे मूर्ख लोग जे पंजाब की अगवाई करनगे, पंजाब के नौजवानों नूं भड़काणगे नशे के खिलाफ मुहिम चलाने की आड़ दे विच, ओ नशे के आदि जिहड़े नौजवान से उन्होंने तुसीं आर्मी बना रहे हो। और अमृतपाल की गिरफ्तारी अजे तक क्यों नहीं हुई और क्या पोजीशन है, उसका सही जवाब पंजाब पुलिस ने देना है। वो हाई कोर्ट ने पूछा, उसका जवाब देंगे। सानू पूरी उम्मीद है कि जल्दी तो जल्दी इन्हां दी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्योंकि शिवसेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शक्ति सेना एक राजनीतिक पार्टी है। चुनाव आयोग तो असी पंजीकृत पार्टी हैं और पंजाब दे विच एक यही बीजेपी तो बाद शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी है जिन्हें चोणां लड़ियां। पिछले चोणां च वी तुसीं जानदे हो कि साडा एक बहुत वड्डी पार्टी दे नाल गठजोड़ भी होया, तां इस करके असी अपनी तैयारियां हुण तो आरंभियां होईयां। दूसरा, जिवें पंजाब दे हालात बने सी उस हालात नूं सामने रखदे होए भी असी अपने काडर नूं मजबूत कर रहे हैं। लेकिन हुण दा जिहड़ा एजेंडा है पंजाब दे, जिवें अतवाद वखवाद दा माहौल बनिया, जिस तरीके नाल हालात बिगड़ रहे सीगे उस नूं लै के शिवसेना हिंदुस्तान ने अपने बीते दिन पटियाले विखे कोर कमेटी की मीटिंग की सी और असी मंग की सी कि जिहड़ा पंजाब दे विच हथियारां दे जोरां नाल गुंडागर्दी की जा रही है, धर्म की आड़ दे विच अमृतपाल लगातार कानून नूं ठेंगा दिखाने का काम कर रहा है, इहदी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए है। और सानूं इस गल की बड़ी खुशी है कि पंजाब सरकार ने, केंद्र सरकार ने मिल के पंजाब दे जिहड़े हालात बिगड़ रहे सीगे, खालिस्तान अतवाद नूं जिहड़ा बढ़ावा दिता जा रहा सी पाकिस्तान दे सारे ते, उस नूं कुचलण दे लई बहुत चंगा उपराला कीता है, जिहदे लई असी पंजाब सरकार, केंद्र सरकार और पंजाब पुलिस की सूझबूझ नूं जिहड़ा है असी सराहने हैं, उन्हां दे काम नूं सराहना करदे हां। पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है भी जे तुसीं बंदे बाकी फड़ लैणे, मेन बंदा उहदा फड़िया नहीं गया जी। देखो, हाई कोर्ट अपने हिसाब नाल ठीक कह रहा है कि जिहड़ा जिस दे लई ऑपरेशन शुरू किया उहदे बारे पंजाब पुलिस दसे, और पंजाब पुलिस दे अधिकारियां दी, उन्हां दे अफसरां दी जिम्मेवारी है कि उह मानयोग हरियाणा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे सवालां दा जवाब दे। पर जिस तरीके नाल, जिस इच्छा शक्ति दे नाल उन्होंने हालात नूं काबू किया, जिस तरीके नाल देश नूं तोड़न दे उपराले किए जा रहे सी, हुण सूचनावां आ रही 3500 करोड़ की फंडिंग हो गई सी इस देश नूं तोड़न दे लई। दुबई तो आए हुए एक व्यक्ति ने पंजाब दे अंदर इन्नी गुंडागर्दी का नंगा नाच कर लिया सीगा कि वह पंजाब पुलिस जिहड़ी पुलिस अतवाद के खिलाफ लड़न च कामयाब हुई, उन्होंने थाने दे विच जाके हमला करना, अफसरां नूं जख्मी करना, अजिहे हालातों में केंद्र सरकार ने, पंजाब सरकार ने जिहड़ी जिम्मेवारी पूर्ण कार्रवाई की है, राजनीतिक हितों तो उपर उठ के कार्रवाई की है, उसका शिवसेना हिंदुस्तान डटवा समर्थन करती है। और अमृतपाल की गिरफ्तारी अजे तक क्यों नहीं हुई और क्या पोजीशन है, उसका सही जवाब पंजाब पुलिस ने देना है। वो हाई कोर्ट ने पूछा, उसका जवाब देंगे। सानू पूरी उम्मीद है कि जल्दी तो जल्दी इन्हों की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लगता है कि सेंटर की एजेंसियां या पंजाब की एजेंसियां बिल्कुल फेल हो चुकी हैं। जेकर अमृतपाल एडा वड्डा एक्शन करता पाया पंजाब दे, सब को पता होने के बावजूद भी उसका फरार हो जाना। देखो, जिहड़े भी पंजाब दे हित दे शुभचिंतक सी, शिवसेना हिंदुस्तान ने भी यह गल कही कि जिहड़ा ऑपरेशन होया देर नाल ही सही, पर सही दिशा दे विच ऑपरेशन होया, देर तां हो ही गई सी, उदों ही सबक सिखा देना सी जदों इह कुराहे पै गए सी, जब देश नूं तोड़न दी गल कर रहे सी। अज इतना हौसला हो गया सीगा कि कह रहे सी कि असीं हिंदुस्तान दे सिटीजन नहीं हैगे, हिंदुस्तान दे नागरिक नहीं हैगे। और तुसीं अज देख लो, अज उसी कानून दे तहत हाई कोर्ट च आपां जा रहे हैं, हैबियस कार्पस रिट लगा रहे हैं, ते कानून तां तुसीं हिंदुस्तान दा ही सहारा लै रहे हो और हिंदुस्तानी सिटीजन होण तों मुनकर हो रहे सीगे। ते इस करके समय रहिंदे, हालांकि देरी हो गई सी पर फिर भी समय रहिंदे, केंद्र सरकार ने, इत्थे दी सरकार ने, भगवंत मान जी दी सरकार ने, और विशेष करके इन्ना दबाव होने दे बावजूद डीजीपी पंजाब पुलिस गौरव यादव ने बड़ी समझबूझ नाल परचे दिंदे हुए सारियां एजेंसियां दे तालमेल नाल जिहड़ा ऑपरेशन कीता है, वो बतौर पंजाब दे नागरिक होण दे नाते, धर्म तो भी उपर उठ के पंजाब दे नागरिक होण दे नाते असीं उहदी सराहना करदे हां। और अज दा समय है कि सारियां धिरां नूं मिल के देश दी एकता अखंडता दे हक दे विच
पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और केंद्र सरकार दे हाथ मजबूत करने चाहिए। जी एन एस ए लगाई है अमृतपाल छड़ के बाकी बंदे एन एस ए लगाई लगता भी बिल्कुल जायज़ है जब धक्का किया गया? नहीं नहीं धक्का कोई भी नहीं है, तुम सारे जने रल के देश को तोड़न की कोशिश कर रहे हो। एक वो मूर्ख आदमी जरा है पट्टा के हाथ मार के बाजे प्रधानमंत्री, मैंने तो समझ नहीं आई कि प्रधानमंत्री उन्होंने क्यों कह देंगे। प्रधानमंत्री का तो एक बड़ा रुतबा होंगे, तो वो योजे मूर्ख लोग जो पंजाब की अगवाई करेंगे, पंजाब के नौजवानों को भड़काएंगे, नशे के खिलाफ मुहिम चला की आड़ दे नशे के आदि जोड़े नौजवान से उन्होंने तुम आर्मी बना रहे हो और कह रहे हो असं समाजिक काम कर रहे हैं, तो एन एस ए तो लगनी जायज़ सी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तुम पैदा कर रहे थे, देश के संविधान को चुनौती दे रहे थे, देश के संविधान के अनुसार जोड़ा डी जी पी लग रहा है उन्होंने तुम थ्रैट कर जरूरत कर रहे थे, तो इस करके एन एस ए जी लगाई गई है बिल्कुल वाजिब है। सरकार का यह कदम जोड़ा है समय के अनुसार चुकया हुआ है। सरकार ते पुलिस दा अगला स्टेप की होना चाहिए वा अमृतपाल नूं लैके? देखो सरकार की करेगी पुलिस की करेगी ये तो उन्होंने रणनीति है, पर जिमें आम मीडिया के सवाल उठ रहा है, पंजाब की जनता जानना चाहती है कि ये जड़ा देश विरोधी सिगा अमृतपाल की गिरफ्तारी कदों तक हो जाएगी, वो पंजाब पुलिस ने जरूर उपराला करना चाहिए भी जल्दी तो जल्दी इन्हों भी उस जगह पर पहुँचा दिता जाए जिथे बाकी लोगों एन एस ए ला के आसाम के डिब्रूगढ़ पहुँचाया।